फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का कैसे बड़े परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो बैक टू बैक ना मार्केट गैप अप कर रहा है और ऊपर जाके होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग के ऊपर की तरफ दे रहा है। आज भी यहाँ पे इसने क्लोजिंग के ऊपर दिए, पर क्या होना है मार्केट में आज यहाँ पे निफ्टी में कि ऊपर ऐसे ओपन हुआ, उसके बाद क्लोजिंग अगर डेली बेसिस पे देखें तो फिर क्लोजिंग मतलब अपने हाई से काफी नीचे दिए। ये थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न टाइप कह सकते हैं। नेगेटिव मीन्स कि शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है वापस एक बार यहाँ पे करेक्शन करके इधर की तरफ आए, 24733 के आसपास लेवल तक आए। यहाँ पे ये थोड़ा सा वापस एक बार रिटेस्ट करने से, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा मार्केट ने ब्रेक लगा। एक बार डेली टाइम फ्रेम अगर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको देखना है यहाँ पे कि जैसे मतलब इतने दिन से कंटिन्यू चल रहा था ट्रेंड, आज थोड़ा सा वापस यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब इसको जब भी हाई ब्रेक करेगा, 24867 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तभी यहाँ पे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वरना इस जगह के आसपास वेलिबिलिटी रिजेक्शन का लेवल था, यहाँ पे हम देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अभी देखो यहाँ पे इस जगह के आसपास वहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे 24850 के आसपास। तो इसने एक बार तो यहाँ पे लिया, निकला लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं करा इसके ऊपर, ठीक है। दोबारा वापस इसके आसपास गया यहाँ पे अटेम्प्ट करा जाने की, लेकिन वापस यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला इसमें। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ दिख रहा है मेन, अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे सस्टेन कर जाता है इस जगह के आसपास 24797 का लेवल, ये ब्रेक करके अगर नीचे निकला तो फिर दिक्कत आएगी। और यहाँ पे अगर इसने होल्ड कर दिया तो फिर वापस से पहली बार तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा इस लेवल तक 24844, और उसके बाद यहाँ पे ये आज का जो हाई बना है वो वाला लेवल यहाँ पे, फिर दोबारा वापस से 24866 तक के लेवल पे देखने को जहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद 24885, 24923 ये सारे लेवल वापस यहाँ देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक हुआ है 24797 तो फिर हमें देखो मेन जो सपोर्ट लेवल है वो तो यही है 24733, पर अगर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करें तो 24737 के आसपास का लेवल है यहाँ पे, ये ठीक है 24737 इस लेवल तक वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि मेजर यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है नहीं इस रेंज के आसपास। ये सपोर्ट है यहाँ पे 24750 के आसपास इस लेवल पे, क्योंकि ये तो फ्लो अच्छा आया था, तो ये गिरेगा तो पूरा यहाँ पे इसी जगह पे चांसेस आने के, ठीक है। और उसको ब्रेक करा तो फिर 24670 लेवल, 24637 ये सारे लेवल वापस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। ऐसे में जब तक ये रेंज में है यहाँ पे इसको अवॉइड करना, या तो रेंज के ऊपर निकल के प्रॉपर निकले यहाँ पे तो है मार्केट ऊपर की तरफ, या फिर रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए तब यहाँ पे कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट हम साथ में देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी आईटी अभी तक तो अच्छा लीड कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा सा इसने ब्रेक लगाया इस देखो। अभी क्या होगा ना, एक सपोर्ट लेवल है अच्छा है यहाँ पे, इस जगह पे अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ पे टिक जाता है ये ठीक है तब तो ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा गिरेगा तो वापस से एक बार थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। क्योंकि देखो बैक टू बैक ना काफी दिन से निफ्टी के शेयर्स अच्छे चल, मतलब सॉरी आईटी के शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना सब्जी होता है नॉर्मली ब्रेक लेता है ये सब में। और रिलायंस देख लेते हैं रिलायंस में क्या कंडीशन बन रही है। रिलायंस का सेटअप अगर देखें तो वही एक रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे एक रिजेक्शन का लेवल है, इस जगह यहाँ था एक यहाँ पे था ठीक है, तो यहाँ इसी कैंडल के आसपास का रिजेक्शन दिया इसने यहाँ पे, और घूम फिर के मतलब ये इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे देखो आप ये प्रीवियस एक लो चल रहा है यहाँ पे, ऊपर की तरफ यहाँ पे रिजेक्शन चल रहा है, तो इन्हीं रेंज में यहाँ पे मार्केट में रिलायंस का शेयर देखा है तो यहाँ पे घूम रहा है। क्योंकि उसी हिसाब से आप रिलायंस का चार्ट देखो, निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी के चार्ट में सिमिलर लग रहा है, गैप अप हुआ ऊपर टिका यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं करा और फिर वापस से नीचे आ गया, एंड में आगे क्लोजिंग थी नेगेटिव थी, सेम इस तरीके से रिलायंस का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखो क्या है ना, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी है। बैंक निफ्टी में आज ना अटेम्प्ट करा इसने ये वाला, अभी ये लेवल जो चल रहा था ये वाला 50740 का, कल इसमें क्लोजिंग इसके नीचे आई थी ठीक है, आज इसने क्या करा ना क्लोजिंग अच्छी दी, तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा थोड़ी फोकस कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी वापस स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये जब भी ये इस हाई को ब्रेक करेगा 51000 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसमें बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के शेयर्स अभी चांसेस लग रहे हैं कि ये कवर करेगा कहीं ना कहीं, और कल भी हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी इसको मार्केट में लीड कर सकता है ऐसे में ठीक है। एचडीएफसी बैंक तो अभी न्यूट्रल लग रहा है, बाकी दूसरे बैंक अगर देख सकते हैं उनमें फोकस कर सकते हैं साथ में, पर एचडीएफसी चल गया तो फिर ये फिर बैंक निफ्टी को साथ में अच्छा ऊपर कैरी कर लेगा ऐसे में ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं 5 मिनट के हिसाब से क्या लेवल्स दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो रिजेक्शन लेवल सपोर्ट लेवल क्या था, ये वाला रिजेक्शन लेवल था, क्योंकि पहले का यहाँ पे एक रिजेक्शन बना हुआ है पहले से 51000 के आसपास का, 51025 के आसपास, यहीं से इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया और इसकी क्लोजिंग इसके नीचे दी है। अब जब भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देगा और इस निकल जाएगा यहाँ से, जैसे 51070 का ऊपर लेवल ब्रेक करा कर इसने, तो फिर 51191 51308 51457 ये सारे लेवल्स इसके लिए ओपन हो जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। और जब भी ऊपर जाएगा ये फिर बाद में ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर जाएगा ऐसे में ठीक है, तो इस लेवल को ध्यान रखना। और डाउन साइड में देखो ये सपोर्ट लेवल अच्छा 50848 का, तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया धीरे करते करते एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला ऐसे में। और अब यहाँ पे ज्यादा कोई लेवल चेंज करने की नीड है नहीं, यहाँ पे इसी रेंज में सपोर्ट है 50848 हो गया, 50771 हो गया, ये सारे लेवल्स यहाँ पे अच्छे सपोर्ट के लेवल है। उसको ब्रेक करेगा तो 50591 का लेवल है अच्छा सपोर्ट का। यहाँ पे हम बात करें मेजर सपोर्ट लेवल कैसे तो होने में देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 50644 का लेवल भी सपोर्ट की तरह ही है, पर मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो ये है। चाहे तो हम इसको शिफ्ट करके इस जगह तक ला सकते हैं और इसको लेवल को रख सकते हैं यहाँ पे, कि ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे मेन आता है 50809,
फिर उसके बाद 50,693, 50,591, ये सारे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे सपोर्ट के। और ऊपर इजेक्शन तो ये यही सही यहाँ पे, इसी के ऊपर इजेक्शन आज उसने लिया है और आज भी मल्टीपल टाइम्स लिया है, ट्राई करा बाहर निकलने की कोशिश करी लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं करा और क्लोजिंग यहाँ पे नेगेटिव आ गई इसमें, ठीक है। और कल अगर इमीडिएट बेसिस पे ये लेवल ब्रेक कर देता है यहाँ पे क्या है 50,915 का, ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ आने की कोशिश करेगा इसी के ऊपर, तो ये लेवल को देख लेना यहाँ पे कल के लिए इसमें। और अब हम बात करेंगे सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में, सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखें यहाँ पे, तो इसमें भी वही हालत मतलब इससे वही रेंज टाइप की बनी हुई है यहाँ पे और ऊपर की तरफ रिजेक्शन बन चुका है यहाँ पे ये लेवल का इमीडिएट बेसिस पे, अगर देखें यहाँ पे ये है लेवल, यहाँ से ऊपर निकलेगा कुछ यहाँ पे तभी कुछ अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ से निकलता है तो 23,354, 23,477 ये लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल मेन जो है वो है 23,100, मतलब सेम लेवल ही रखेंगे यहाँ पे, कुछ ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, इसको जरा से ऊपर करते हैं, ठीक है। सपोर्ट की तरह हो जाएगा 23,193, उसके बाद अगर 23,131 ये सारे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे सपोर्ट के और ऊपर हो जाएंगे सारे लेवल्स रिजेक्शन के, यहाँ पे भी ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं ऐसे में। और जब भी इस रेंज के बीच में रहे या मिड में तो अवॉइड करना, या तो ऊपर की तरफ ट्रेड अच्छी मिले तो प्लान करना ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, और या फिर यहाँ पे डाउन साइड में कोई ट्रेड दिखे तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, मिड में अवॉइड करना इस जगह पर यहाँ पे, क्योंकि मिड में यहाँ पे कोई सेंस नहीं इस जगह पर करने का इस जगह पर यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।